नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ आरबी टोन एक बहुत ही बढ़िया सिरप लेके मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये सिरप इतना बेस्ट क्यों है, इस तरीके से इसका यूज़ होता है और जिनको खून की कमी है उनके लिए क्या वाकई में ये बहुत ही बढ़िया एक सिरप है, चलिए जान लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप लोगों के पास, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, बेल बटन प्रेस कीजिए और अपने दोस्त लोगों के साथ भी आप वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले स्वागत है मेरा एसडीआर टीवी चैनल में, मैं हूं आपके दोस्त सुदीप। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा कंपनी इसको बना रहा है। तो दोस्तों जो कंपनी इसको बना रहा है उसका नाम है आपका मेडले फार्मास्यूटिकल लिमिटेड बोल के, बहुत ही ब्रांडेड, बहुत ही बढ़िया एक कंपनी है। इसका बहुत सारा मेडिसिन मार्केट में है जो डॉक्टर लोग प्रेस्क्राइब करते हैं ज़्यादातर, उसमें से एक प्रोडक्ट है जो कि आरबीटोन। और इसका जो एमआरपी है 128 रुपीज़ इसका एमआरपी है, 200 ml का इस तरह का एक प्लास्टिक बोतल में आता है। और इन प्लास्टिक बोतल में यानी कि ये 200 ml में कौन कौन सा चीज इन मतलब कौन कौन सा मॉलिक्यूल या फिर इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है वो मैं आपको बता देता हूँ। इच 10 ml यानी कि अगर दो चम्मच अगर आप ये से लेते हो तो ये दो चम्मच में आपको क्या क्या चीज़ मिल जाएगा। तो दोस्तों इच 10 ml में आपको मिल जाएगा फेरस ग्लूकोनेट मिल जाएगा इंडियन पैथोलॉजी हिसाब से 259 mg में, ठीक है। उसके साथ आपका एलिमेंटल आयरन मिल जाएगा जो कि है फॉलिक एसिड है इंडियन पैथोलॉजी हिसाब से 0.5 mg, कैल्शियम लैक्टेट है आपका 150 mg में है इंडियन पैथोलॉजी हिसाब से, और दोस्तों विटामिन B12 दिया गया जो कि आपका 2.5 mcg में है। तो दोस्तों ये किन किन बीमारियों में काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों ये आयरन डिफिशियंसी को कमी करता है, जो शरीर में जो खून की कमी है उसको ये दूर करता है। उसके साथ साथ में आपको कोई भी कारण से शायद वो आप विटामिन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी या फिर वीकनेस या फिर कुछ भी कारण से आपका शरीर में आयरन डेफिशिएंसी हो रहा है या फिर खून की कमी हो रहा है, इस सिचुएशन में इसे यूज़ किया जा सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर जनरल वीकनेस जो हमारे शरीर में होता है विभिन्न मतलब बहुत सारा रीजन की वजह से होता है, उस सिचुएशन में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। प्रेगनेंसी में जब महिलाओं में खून की कमी होती है दोस्तों, उस सिचुएशन में भी आप प्रेगनेंसी में आप इसे आरबीटोन यूज़ कर सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों में ज़्यादातर कभी कभार होता है कि वार्म के वजह से उनका शरीर में खून की कमी आ जाती है, तो इस सिचुएशन में भी दोस्तों आप इसे यूज़ कर सकते। तो दोस्तों ये आपको आपका नज़दीक कोई भी मेडिसिन शॉप में 10 में से 4-5 मेडिसिन शॉप में आपको अवेलेबल मिल जाएगा और शेड्यूल एस ड्रग नहीं है ये, यानी कि आप मार्केट से लेके इसको पिला सकते हो, खुद भी ले सकते हो या फिर बच्चों को भी दे सकते हो। नॉर्मली इसका जो डोजेज है वो मैं बता देता हूँ, एडल्ट के लिए जो यहाँ पे डोजेज दिया गया है वो है आपका 10 ml ट्वाइस ए डे और एज डायरेक्ट बाय द फिजिशियन, यानी कि दिन में दो चम्मच करके आप दिन में दो टाइम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं एडल्ट के लिए। अगर छोटे बच्चा है तो बच्चे को के लिए 5 ml यानी कि एक चम्मच करके दिन में दो टाइम आप दे सकते हो। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी जाते हो केमिस्ट शॉप से ये लेने के टाइम में तो आप उनसे एक बार अच्छी तरीके से कंसल्ट कर लीजिए कि आपका हेल्थ या फिर आप जिसको खिलाने जा रहे हो उनके हेल्थ के बारे में उनसे बातचीत कीजिए और डोजेस किस तरीके से होगा वो भी आप उन लोग से पूछ लीजिए, तो सबसे बढ़िया रिजल्ट आपको मिल जाएगा। नॉर्मली इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों, अगर आपको ये लेने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, डाइजेशन में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो दोस्तों आप इसे बंद करके या फिर केमिस्ट शॉप से बात करके आप इसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मैंने जैसे बताया कि ये आपका शरीर की वीकनेस, जनरल वीकनेस किसी भी तरीके से या फिर किसी भी कारण से आपको शरीर में जनरल वीकनेस हो रहा है जिनमें आपको कैल्शियम की कमी जैसे मैं आपको पहले भी कैल्शियम के बारे में 2-3 वीडियो बता चुकी हूँ, इसमें भी मैं आपको यही बताऊंगा कि दोस्तों कैल्शियम की कमी इंसान में एक नॉर्मल बीमारी नॉर्मल एक प्रॉब्लम दिखाई देता है, तो इसमें कैल्शियम की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने का एक ताकत है जो कि यहाँ पे आपका कैल्शियम लैक्टेट है 1.50 mg में। और विटामिन B12 दिया गया यानी कि इसमें आपका विटामिन D3 भी मिल जाएगा, यानी कि जब आप कैल्शियम ले रहे हो तो कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन D3 दिया जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का टॉपिक आप लोग को अच्छा लगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर टीवी, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों, हैव ए नाइस डे।